ग्रेविटी के रिलेशन में देखते हैं बॉडी की स्टेबिलिटी को। ग्रेविटी क्या करती है, हर उस स्ट्रक्चर पर स्ट्रेस प्लेस करती है, हर उस स्ट्रक्चर पर स्ट्रेस डालेगी जो हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होते हैं बॉडी की पोजीशन को मेंटेन करने के लिए। इसलिए ये क्या होता है कि हमारे पास मतलब एक बहुत चैलेंजिंग होता है कि बॉडी की पोजीशन को मेंटेन किया जाए अगेंस्ट ग्रेविटी। जब हमारी मतलब हम टूवर्ड्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैं, जब बेस ऑफ सपोर्ट ज़्यादा है, तब तो क्या होगा कि स्ट्रक्चर जो होंगे वो ईजिली स्टेबिलिटी को मेंटेन कर लेते हैं। लेकिन जब हमारे पास हम अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी जाते हैं, जितना हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी से दूर होंगे उतना ही बेस ऑफ सपोर्ट कम होती है, हमारे स्ट्रक्चर्स को फिर उतना ही वर्क करना पड़ता है बॉडी की पोजीशन को मेंटेन करने के लिए। अब वो कहते हैं जो लाइन ऑफ ग्रेविटी होती है वो हमारे पास ये मस्ट है कि फॉल करे एक्सिस ऑफ रोटेशन में। एक स्टेबल बॉडी के लिए, एक स्टेबल ज्वाइंट्स के लिए ये हमारे पास एसेंशियल है कि जो लाइन ऑफ ग्रेविटी होती है वो फॉल करे एक्सिस ऑफ रोटेशन में।